सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है चुलाई जो कि थोड़े दिन पहले हमने लगाई थी और अब देखो कितनी अच्छी हो गई है। ये बिल्कुल हार्वेस्ट के लायक हो गई है और इसे हम जल्दी हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि बारिशें भी हो रही है ना, तो इससे क्या हो रहा है ना कि कुछ गिर भी जाती है फिर ये जब हार्वेस्ट अगर आप नहीं करोगे प्रॉपर। तो उसके बाद आप देखो वहाँ पीछे कंटेनर में भी मैंने लगाई थी, वहाँ पर भी कुछ है और इस तरफ भी ये वाले कंटेनर में भी है। उतनी तो इसमें नहीं उगी है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे है तो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैंगन है हमारे पास यहाँ हार्वेस्ट करने के लिए। ये देखो यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगे, ये है वो है, उधर भी तीन चार बैंगन हैं छोटे छोटे और उसके साथ साथ दूसरी तरफ भी हैं, जो कि आपको पता है कि पुरानी कंटेनर जो है वाटर टैंक को काट के जिसको बनाया हुआ हमने कंटेनर, तो उसमें भी ये लगे हुए हैं। प्लस यहाँ पे कुछ क्रिसेंथेमम की कटिंग्स हैं, वो मैं लगाने वाली हूँ आज। काफ़ी टाइम हो गया, अगस्त का ये थर्ड वीक है और अब कटिंग्स हम लगा सकते हैं क्रिसैंथेमम की। अगस्त में मतलब आप शुरू कर सकते हो कटिंग्स लगाना और टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करता है फ्रेंड्स। जहाँ पे बारिशें जल्दी आ जाती हैं वो लोग जल्दी भी लगा लेते हैं, हमारे यहाँ तो बारिश थोड़ा लेट ही होती है, तो इसलिए अब अच्छा टाइम है और सितंबर में फिर हमारी कटिंग्स रेडी हो जाएंगी। और चलिए फिर सबसे पहले हम कटिंग लगाते हैं और उसके बाद हम करेंगे हार्वेस्ट। ये देखोगे आप फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक पुराना हैंगिंग बास्केट है और इसमें पालक लगी है, उसके साथ साथ ये मदर ऑफ थाउजेंड्स का प्लांट लगा है, इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। ये तो इतना फैल गया ना यहाँ पे, सच में जो मदर ऑफ थाउजेंड्स बोला जाता है ना इसको, तो ऐसे ही नहीं बोला जाता, बहुत सारी ये हो गई हैं। देखो पहले भी मैंने आपको दिखाया था और वो देखो सामने, ये देख रहे हो आप, ये पॉट्स के आसपास ये सब यही फैल गया और वो नीचे की तरफ भी है, तो ये क्लीन करने पड़ेंगे, अगर नहीं हटाए तो फिर ये यहीं पे बढ़ते रहेंगे। ये पता है कहाँ से आए हैं, ये ऊपर यहाँ पे लगे हैं प्लांट, तो यहाँ से गिर के ये आसपास के सारे प्लांट्स में फैल गए और ये नीचे भी। यहाँ पे ये कोकोपीट है, इसमें भी हम कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, कोकोपीट में काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है इसकी कटिंग। और अगर आपके पास रेत हो, रेत 50% रेत और 50% गार्डन सॉयल, रेत यानी कि जो रिवर सैंड होती है वो भी आप ले सकते हो, और 50% कोकोपीट और 50% सैड भी ले सकते हो आप, और 50% गार्डन सॉयल और 50% रेत भी ले सकते हो, या 100% रेत भी ले सकते हो आप, क्योंकि हमें तो सिर्फ अभी कटिंग्स ही तैयार करनी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि ये तो देखो 100% रेत है और ये 100% कोकोपीट है, तो इन दोनों में कटिंग लगाएंगे हम और चेक करेंगे कि रिजल्ट्स किस तरीके से रहते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखोगे ये है मेरे पास क्रिसैंथेमम्स का खजाना, मैं यही कहूँगी इसको, क्योंकि इतने ये पांच ग्रो बैग्स है जिसमें मैंने इनको लगाया हुआ था लास्ट ईयर और मैंने इसी में इनको रहने दिया, और अब आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी ग्रोथ इन्होंने ले ली। मतलब इसमें मैं हंड्रेड्स ऑफ कटिंग्स तैयार कर सकती हूँ, इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि ये क्रिसैंथेमम का खजाना एक तरीके से है। हालांकि छत पे जब हम गार्डनिंग करते हैं तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं और जब हम सिंगल हैंडेडली कुछ करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते, तो भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कई सारे काम ऐसे होते हैं जो आप चाहकर भी नहीं कर पाते हो। बट स्टिल ये सीज़न है क्रिसैंथेमम्स की कटिंग लगाने का, तो हम कटिंग्स तो ज़रूर लगाएंगे। और ये आप देखोगे कि यहाँ से मुझे कटिंग्स लेनी है, और सबसे पहले है तो हम ये देख लेंगे कटिंग हम किस तरीके से चुनेंगे कि कौन सी कटिंग लें और कौन सी नहीं लें। तो सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पर जो भी है हमको हेल्दी कटिंग लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कटिंग हम कोशिश करेंगे कि इसकी टिप्स जो है वहीं से कटिंग्स लें। तो ये आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हेल्दी ही है प्लांट सारे, वैसे मुझे इसमें कोई पेस्ट नज़र नहीं आ रही, कुछ एक हाँ ओवर वाटरिंग की वजह से आप देखोगे यहाँ पर जैसे ये खराब हो गया है, थोड़ा सा गल गई हैं पत्तियाँ, पर ये भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। और इसके साथ साथ ये है कि अगर मैं कटिंग नहीं भी लेती हूँ तो ये कुछ दिनों में फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो पिछले साल के प्लांट्स हैं और इन्होंने अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी ले रखी है ऑलरेडी। और इसमें ना टिप्स देखो, टिप्स अगर आप देखोगे ना इसकी ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि कुछ दिनों में ये बडिंग भी स्टार्ट कर देंगे, देखो बडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पर हमें चलो अभी कटिंग्स लेनी है, तो कटिंग्स लेने का एक फ़ायदा इन प्लांट्स को भी ये होगा कि जब हम इनको कट करेंगे ऊपर से तो इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, और जब ब्रांचिंग होगी तो और ज़्यादा फ्लावर्स लगेंगे। तो हम यहाँ से इसको कटिंग्स लेना स्टार्ट करते हैं और फिर कटिंग्स को हम लगाएंगे। कटिंग्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कंटेनर्स रेडी कर लिए हैं, जिसमें कि एक में सिर्फ कोकोपीट है और एक में कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत होती है वो है, जो नदी की रेत है आई थिंक वही है। एक्चुअली दो तरीके की रेत थी यहाँ पर, नदी की रेत एक होती है और एक दूसरी जो होती है ना ब्राउन कलर की वो भी थी, अब वही मिक्स हो गई है, मैं भूल गई कि कौन सी थी, बट हाँ दोनों में से कोई तो एक है। आप देखेंगे हम इन दोनों में ही कटिंग तैयार करेंगे। आप 50% रेत और 50% गार्डन सॉयल को भी लगा सकते हो, और ये जो आप कंटेनर देख रहे हो यहाँ पर, ये मेरे पास गार्डन सॉयल का एक कंटेनर है जिसमें कि कुछ लगा नहीं है, सब कुछ
अभी इसमें कुछ लगा नहीं है, देख रहे होंगे आप इसमें मिट्टी है। तो एक तरह से तीन तरीके का यहाँ पर हमारे पास सॉइल मिक्स है और जिसमें हम कटिंग्स तैयार करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग सॉइल मिक्स में अलग अलग कटिंग्स लगाकर और उसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी एक तरीके का हमारे पास कंटेनर तैयार हो गया। फ्रेंड्स, जैसा कि ये मॉनसून सीज़न चल रहा है और मॉनसून सीज़न में बहुत ज़्यादा हमें एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ते कटिंग्स ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये सीज़न ही ग्रोथ का होता है और जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि वो कटिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। कुछ हद तक ये भी होता है कि एक्सेस वाटर जब बारिश का पड़ता है तो कटिंग्स ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि चीज़ें फिर ना एक्सेस वाटर से गलने भी लग जाती है ना, तो उस तरीके से ये भी चीज़ें काम करती हैं। खैर, एज अ गार्डनर हमारा काम तो ये है कि हम काम करते रहें और उसके साथ साथ अपने प्लांट्स जो हैं वो इनको बढ़ाते चले, है ना। जितने भी प्लांट्स लगा लें हम, उससे हमारा दिल भरता नहीं है। तो चलिए फाइनली कटिंग ले लेते हैं। यहाँ पर हमको कटिंग जो लेनी है ना 4 to 5 inches की लेनी है, और जैसा कि आप ये देखोगे पुरानी ब्रांचेस हैं तो इस तरीके की पुरानी ब्रांच लेनी है। बहुत छोटी या बिल्कुल टिप वाली कटिंग आपको नहीं लेनी, आपको कम से कम 4-5 node areas चाहिए। तो वही 4-5 node areas अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 4-5 inches ही हो जाते हैं। तो ये जैसे देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से अगर हम कटिंग ले लेते हैं, क्योंकि दो तकरीबन जो नोड एरियाज हैं वो आपकी मिट्टी में जाने चाहिए, तभी उसमें रूटिंग जो है वो स्टार्ट होती है। बेसिकली जो रूटिंग स्टार्ट होती है वो नोड एरिया से ही होती है, तो इसलिए कुछ हिस्सा हमें ऊपर भी रखना है इसका। तो 4 से 5 inch की कटिंग जो है वो सफिशिएंट रहती है ताकि प्रॉपर वो मिट्टी में भी जा पाए और ऊपर की तरफ भी रह पाए। तो मैं इसको यहाँ से काट लेती हूँ, कट कर लेते हैं ये देखिए। सो ये है फ्रेंड्स हमारे पास कटिंग, इसके पत्ते हटा देते हैं। पत्ते हटाने का मकसद ये होता है कि जब हम कटिंग लगाएंगे तो ये पत्ते ना रॉट होंगे, मतलब ये सड़ने लग जाएंगे अगर हम इसको मिट्टी में छोड़ देते हैं या ऐसे ही कटिंग लगा देते हैं, तो इसलिए हम इसे हटा देते हैं। ऐसे तो ये कटिंग थोड़ी बड़ी है, पर फिर भी चलिए हम इसको 4 से 5 inch का रखेंगे। और ये जो कटिंग है इसको आपने 45 degree के एंगल पर कट करना होता है। ये आप देखोगे ये 2 node areas हैं और 2 node areas के बीच में आप ये इस तरीके से 45 degree में कट लगा दीजिए। ये देखो ये आपने कट लगा दिया और आपको इसमें कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लगाना भी चाहे तो आप सिंपल एलोवेरा इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने कटिंग ले ली और इसको मिट्टी में लगा दिया। सिंपल 2 node areas आप कोशिश कीजिएगा मिट्टी में जाए, और ये आपने कटिंग तैयार कर दी। ये देखो इस तरीके से हम काफ़ी सारी कटिंग्स लगा लेते हैं। हेल्दी कटिंग लेनी है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा कि कोई पेस्ट वगैरह आपकी कटिंग में ना लग रही हो, या आप एजेस में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पत्ते एकदम साफ होने चाहिए, कटिंग वगैरह में कोई पेस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने यहां पर लगा ली है कटिंग्स और आप देखो काफ़ी सारी कटिंग्स लगा दी, ऑलमोस्ट 30, 40 या 50 के आसपास की कटिंग्स हैं ये जो इतनी आपको नज़र आ रही है ऊपर से। और उसके बाद भी काफ़ी सारी कटिंग्स मैं यहाँ से अभी तैयार कर सकती हूँ। देखो अब थोड़ा खाली खाली लग रहा है ना, क्योंकि मैंने कटिंग्स निकाल ली यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास पुराने साल के प्लांट्स नहीं हो क्रिसेंथम के पड़े हुए, तो आप नर्सरी से जाके कटिंग्स ला सकते हो। 5 to 7 या फिर मैक्सिमम 10 rupees तक की कटिंग्स मिल जाती हैं, और तब वहाँ पर आप चूज़ भी कर सकते हो कि कौन सी कटिंग्स हैं। वैसे तो कटिंग्स छोटी रहती है, कई बार नर्सरी वालों को भी नहीं पता होता कि कौन सा कलर का फ्लावर लगेगा या कौन से साइज़ का फ्लावर लगेगा, बट अगर चलो पता भी हो तो भी आप ला सकते हो उनसे, और नहीं भी पता तो भी आप ला सकते हो। जैसे मैंने ये लास्ट ईयर सेव तो कर दिए थे, लेकिन अब मुझे खुद नहीं पता कि इसमें कौन से कलर का फ्लावर आएगा, क्योंकि एक साल का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। एक साल तो नहीं, चलो जनवरी के बाद मैंने इनको सेव किया, तो फिर भी 7-8 महीने हो गए हैं, तो भूल जाता है इंसान कि भाई इसमें क्या लगा था, अनलेस अनटिल आपने इसको लेबल करके रखा हो। अब यहाँ पर प्रॉपर लेबलिंग तो मैंने की नहीं और इसलिए मुझे याद नहीं है, पर ये डिफरेंट वेराइटीज़ हैं ये मुझे ज़रूर पता है। और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ना पत्तियों से भी आप पता लगा सकते हो। देखो एक ये शेप है पत्तियों की, ये देखो, ये देख रहे हो आप, एक ये और ये दूसरी एक सामने लगी है, ये देखो ये दोनों ही डिफरेंट है। देखो ये पत्तियाँ ना, ये देखो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब यही है कि इसमें फ्लावर भी जो है ना डिफरेंट वेराइटी का लगेगा। तो
सो इसलिए इस तरीके से मैंने अब सेव किए थे, तो कुछ सोच के किया होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ही सेव की है मैंने। फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के बाद आपको इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ना ही सनलाइट मिले, बहुत ज़्यादा इसको पानी भी नहीं मिले बारिश का, और मॉइस्चर बना रहे इसकी मिट्टी में। सूखनी नहीं चाहिए मिट्टी, क्योंकि जो रूट्स आती है वो बहुत नाजुक और बहुत कोमल होती हैं, तो जैसे ही मिट्टी सूखती है वो रूट्स भी फिर डेड होने लगती हैं, तो इसलिए कटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप मिट्टी को मॉइस्ट बना के रखोगे। हमने 3 अलग अलग तरीके के मीडियम में ये कटिंग्स ग्रो की हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि इसमें से 50% से ज़्यादा कटिंग्स तो आराम से चल जाएंगी, और देखेंगे जो भी रिजल्ट होगा मैं आप लोगों के साथ वीडियोस में ज़रूर से शेयर करने वाली हूँ। तो मैं इनको यहीं पे रख दूँगी। आपने देखा कि ये प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही थी यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा अच्छा ही होगा इनके लिए भी। तो बारिश के पानी से हम इनको नहीं बचा सकते, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो टेरेस पे ही रखती हूँ सारी कटिंग्स वगैरह, और यहाँ पे मेरे पास कोई शेड भी अवेलेबल नहीं है, तो इनको हम यहीं रखने वाले हैं और जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमें यहीं पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ प्लांट्स तो मेरे पास ऑलरेडी हैं ही, और कटिंग चल जाएगी तो बहुत बढ़िया है ना। सो चलिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक साइड में लगा दी कटिंग्स। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो क्रिसैंथेमम्स के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। अपने विचार आप उनसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस भी मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर कहीं पर भी थोड़ा सा पसंद आया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय।